महाभारत का यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह कौरव और पांडव दोनों एक ही परिवार यानी कुरु वंश के वंशज थे, परंतु जब कौरवों द्वारा पांडवों के ऊपर अन्याय पे अन्याय हुआ तब इन दोनों के बीच यह युद्ध ठन गया। महाभारत युद्ध के समय पांडवों के पास ना तो कोई अपना राज्य था और ना ही उनके पास अपनी कोई सेना थी। वह सभी भाई अपना 13 वर्ष का वनवास खत्म करके हस्तिनापुर आए थे। उस समय हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन के अधिकार में था और पांडवों के राज्य इंद्रप्रस्थ को जुए में जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को वहां का राजा बना दिया था। फिर ऐसी स्थिति में युद्ध होना तो स्वाभाविक ही था। पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद अपनी एक यक्षिणी सेना के साथ लड़े थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पिता राजा विराट वो भी अपनी एक यक्षिणी सेना लेकर आए थे। अर्जुन के शिष्य राजा सात्यकी भी अपनी एक यक्षिणी सेना के साथ लड़े थे। इसी तरह देवी कुंती के पिता कुंती भोज भी अपनी एक यक्षिणी सेना लेकर आए थे। जरासंध के पुत्र राजा सहदेव ने अपनी एक यक्षिणी सेना के साथ महाभारत का युद्ध लड़ा था। इसी तरह पांड्या और चोला देश के राजा अपनी एक यक्षिणी सेना के साथ पांडवों का साथ देने आए थे और एक यक्षिणी सेना के साथ धृष्टकेतु ने पांडवों का साथ दिया था। इस प्रकार पांडवों की तरफ से लड़ने वाली कुल सेना 7 यक्षिणी थी। यक्षिणी एक संख्या है जिससे उस जमाने में किसी भी सेना की गणना की जाती थी। उस समय एक यक्षिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 109,350 पैदल सैनिक होते थे। इनमें रथों पर एक सारथी और एक योद्धा होता था और हाथी पर एक महावत और एक योद्धा होता था। इस प्रकार अगर इंसानों की गणना की जाए तो एक यक्षिणी सेना में 262,440 इंसान होते थे। इस प्रकार पांडवों की तरफ से कुल 7 यक्षिणी सेना महाभारत का युद्ध लड़ी थी, यानी कि पांडवों की तरफ से कुल 18,37,080 इंसानों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। और 18 दिनों तक चले इस युद्ध में द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ही पांडवों की तरफ से उनका सेनापति रहा था। पांडवों की तरह ही कौरवों की तरफ से राजा शल्य, दुर्योधन के मामा शकुनी, दुर्योधन के बहनोई राजा जयद्रथ, राजा भगदत्त, महिष्मती के राजा नीला, राजा सुदक्षिणा, बिंदा अनविंदा, राजा सुशर्मा और कलिंगा के राजा अपनी एक एक यक्षिणी सेना लेकर आए थे। इसके साथ ही दुर्योधन के पास अपनी भी एक यक्षिणी सेना थी और भगवान कृष्ण की एक यक्षिणी नारायणी सेना के साथ कृतवर्मा भी कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़े थे। 18 दिनों तक चले इस महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों की तरफ से पहले 10 दिन भीष्म पितामह उनके सेनापति थे। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद 16वें और 17वें दिन महारथी कर्ण ने सेनापति की कमान संभाली थी। 18वें दिन राजा शल्य सेनापति बने थे। इस प्रकार पांडवों की तरफ से जहां सिर्फ 7 यक्षिणी सेना लड़ी थी, वहीं पर कौरवों की तरफ से 11 यक्षिणी सेनाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। मतलब कि जहां पांडवों की तरफ से 18,37,080 इंसान लड़े थे, वहीं कौरवों की तरफ से 28,86,840 इंसानों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी।
महाभारत युद्ध खत्म होने पर पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे कुल 18,37,080 इंसानों में से सिर्फ 3,06,180 इंसान ही जीवित बचे थे और कौरवों की तरफ से लड़ रहे 28,86,840 इंसानों में से सिर्फ 4,81,140 लोग ही जीवित बचे थे। अगर दोनों सेनाओं का टोटल करके देखा जाए तो कुल 47,23,920 लोगों में से 7,87,320 लोग ही जीवित बचे थे, बाकी 39,36,600 लोग उस नरसंहार में मारे गए थे।